बताएंगे प्लीज, जरा सा याद करके हमें बताइए फिर से कैसे आपको किसी ने बताया श्री माता जी के बारे में, कैसे पता चला? तो माता जी ने अभी शुरू नहीं किया था, पर हमारी लड़की का वहाँ घर था बॉम्बे में, तो उनके घर गए थे मैं, तो वो थोड़े जानते थे वो जाते नहीं थे उनके पास, तो मैंने बोला कि मेरे को तो जाना है ऐसे माता जी के लिए, तो जब हम गए तो हमारे लड़की एक ड्राइवर और हमारी एक ग्रैंड डॉटर थी, उसको जरा कुछ बीमारी थी तो उसको लेट जाना था उसके पास, पत्नी के पास। अच्छा, उसके पहले आप कैसे गए थे, किसने बताया कि माता जी कौन है, ये कैसे जाना आपने? आप गए थे आप शिविर में, आपको कोई मिला एड्रेस दिया माता जी का, फिर वो एड्रेस लेके आप अम्बा जी गए, वो थोड़ा बताएंगे आप? हम रजनीश के शिविर में गए, तो सब हम लोग बैठे हो उनका तो ऐसे ऐसे करते थे, सब लोग उठते थे जाते थे, कहते मैं तो जाती नहीं थी, मैं बैठी थी एक नागपुर के बहना, बोले कि आप उठते क्यों नहीं, आप क्यों नहीं, मैंने तो ये असर नहीं, तो बोले आप क्यों आए, मैंने बोले मैं तो जानने को आए, तो बोले मैं आपको एक नाम सोचा इसके पास जाना हो, तो उन्होंने इसके सफाई कागज पेंसिल मारी उस पर एड्रेस लिख के निर्मला श्री पास जीवन ज्योति बिल्डिंग पहले माले पेंसिल रोड, हम तो फिर हमारा ड्राइंग रहती बॉम्बे में रहते हैं ना, तो घर जाके उनको बताया कि मेरे को कल यहाँ जाना है, अम्बा जी ने गया वहाँ से अम्बाजी तो जाते थे हमें, तो अम्बाजी करने के लिए ही गए थे, तो अम्बाजी के मंदिर में माता जी को मैंने चिट्ठी लिया बताई माता जी जो एड्रेस था वो माता जी के टेम्पल की जो वहाँ श्राइन है उनको दिखाया, तो माता जी जैसे मेरे को ऐसे अंदर से ऐसे बताया कि मेरा इस स्वरूप है, आशीर्वाद दिया कि जाओ अम्बा जी की मूर्ति ने प्रतिमा ने आपको आशीर्वाद, प्रतिमा नहीं अच्छा खाली है, मगर डेकोरेशन ऐसा करते हैं कि आपको लगता है कोई देवी है, रोज का उसका वाहन बदलते हैं, तो उसके अंदर से माता जी का पूरा फेस दिखा, आपको रेड बॉर्डर की व्हाइट साड़ी पहनी थी, बाग खुले थे और बोलते मैं ही वो हूँ आप जाओ वहाँ, एड्रेस ही दिखाया माता ने कि ये एड्रेस है, क्या ये सही है तो मुझे भेजना वरना घर वापस भेज देना, सो वहाँ से माता जी ने पूरा चेहरा सब दिखाया कि मैं स्वयं वो हूँ आप जाओ, फिर वहाँ मुंबई गई, तो जब मुंबई में आप गए ने पीएमसी रोड फ्लैट में तो श्री माता जी ने दरवाजा खोला, बताइए उसके बारे में प्लीज। तो वहाँ गए ने तो नीचे से मैंने उसके पूछा कि निर्मला श्रीवास्तव कहाँ रहते, तो उन्होंने बताया कि यहाँ से ऊपर जाओ यहाँ,
तो मैं एक दो तीन दादरे ऊपर चढ़ गई तो वहाँ पूछा तो बोले ना ये नीचे रहती है, तो मैं उतर रही थी तो दरवाजा तो माता जी ने दरवाजा खोला कि आप मुझे ढूंढ रही हो, मैं गई तो मेरे को ऐसे पकड़ के अंदर ले गए, एक कोट पर बैठाई, वो अंदर से ऐसे पेन से हाथ गिराए कैसे आए ये आए, मैंने बोला हमारी ग्रैंड डॉटर ऐसा है इसलिए पता नहीं को आए थे, तो बोले कल आना उसको भी लेके आना मिल गए, आपको जो ये करना हो तो मैंने अभी शुरू नहीं किया है, मेरी तो लड़की है कल्पना उसकी डिलीवरी एक महीना से होने वाली है, उसके बाद जब शुरू हो गए तब मैं आपको बुलाऊंगी, आपका एड्रेस दे दे जब उस टाइम फोन नहीं करते थे रिटर्न लिखते थे, तब उसी मेरे को घर आई हूँ उनको पता ही हमारे मेरे को वापस आना पड़ेगा, अरे फिर वो दूसरे दिन जो उसको लेकर गई हमारी ट्रेन डॉक्टर उनके घर, तो उन्होंने पलंग पर बैठा है देखा सब पर बोले ये अभी उनका जो है ये जरा ये नहीं हुआ, तो बोलिए फिर डरने की बात नहीं है, बोले ये तो सब है बट मैं जब देखूंगे तब तुम मेरे पास आना, अभी नहीं आ अभी तो मैं कुछ करती नहीं हूँ, मैंने तो यानी कि सहयोग चालू नहीं किया था माता जी ने, तो कहा कि अभी सहयोग चालू नहीं किया है तो मैं सवा डेढ़ महीने की बात करूं कि आप एड्रेस छोड़ दें, और बाहर रोज अपने ग्रैंड डॉटर को ले जाती थी, माता जी वाइब्रेशन देती थी उसको, फिर बाद ने एड्रेस दिया, डेढ़ महीने के बाद पोस्ट कार्ड आया कि बोर्ड में शिविर है आप आ जाइए, बोर्ड में शिविर में बोर्डिंग में पहला शिविर सेमिनार उसके विषय में बताइए, तो तब तो ट्रेन से जाता है, एक लाल साहब करीन रेलवे के मैनेजर थे, तो उन्होंने आखिर एक बोगी पूरी हम लोगों के लिए रिजर्व की, तो माता जी स्टेशन पे साहब और माता जी हमारे साथ ही ये बोगी में आने वाले, तो वो आ रहे तो हम नीचे उतरे में उसके नमस्कार किया, फिर वो हमारे साथ ही अंदर आ गए ट्रेन में, और हमारे साथ बातें करते करते हम बोगी पहुंचे, बोगी में हम माता जी उतरे थे घर, अरे हम लोगों को ये सब हम कितने 30-40 लोग थे, 30-40 लोग थे आखिर बोगी के भी रेलवे, अच्छा लेकिन कितने लोग श्री माता जी के साथ थे, मैंने कंपार्टमेंट तो ज्यादा बड़ा था लेकिन कितने लोग, थर्ड क्लास का कंपार्टमेंट था, थर्ड क्लास तो और भी भीड़ होगी बोरी में 100 लोग थे होंगे, 100-100 लोग थे क्योंकि इंडिपेंडेंटली भी सब लोग आए थे, तो 100 तो श्री माता जी ने उन लोगों को बुलाया पोस्ट कार्ड नहीं ऐसा नहीं जानने अंदर अंदर की होती थी आते थे ना, तो उसको अरेंज किया कि अपने को जाना है तो किस आना है, कोई अपने रिश्तेदार को ले आया कि भाई जा रहे हैं माता जी है कुछ सहयोग चालू कर रहे हैं चलो जाते हैं, कोई संत होता है तो कोई भी पड़ोसी को भी ले जाता है, ऐसे सब इकट्ठे हुए थे और थोड़े लोग उसमें जानने वाले थे, मोदी साहब थे उनकी बहन थी वो सब जानने वाले थे, थोड़े लोग जानते थे सिर्फ माता जी इतना ही जानते थे, कोई जाता आता नहीं था, जाता आता नहीं था, माता जी के घर कोई नहीं जाता था, मगर जैसे सर से भी जिस कंपनी में काम करते थे तो वहाँ एक मोदी साहब काम करते थे उनके बेटे ये सब ऐसे जानते थे कि भाई ये है तो बोले चलो जाते हैं कुछ योग शुरू हो रहा है, तो जैसे श्री माता जी के पास ऐसे लोग जाते थे कि जैसे ये कुछ हमें
योग के बारे में बताएंगे। हाँ। ये क्या योग है किसी को मालूम? उन्होंने चालू नहीं किया था इस सहयोग के मालूम तब सहयोग नाम भी नहीं था। तो बॉडी सेमिनार में क्या हुआ बताएंगे प्लीज? बॉडी में बाद में कितने लोग थे, अन्य रूम थे, तो रात खाने को बैठे माता जी सब टेबल पर, हम लोग कैसे लाइन में बैठे, तो जमी लिया तो बात करते थे, मैं उनके पास गई बोलने को, तो बोले हम ऊपर खाने के बाद ऊपर जाना, तो माता जी चले गए ऊपर, कोई लोग गए, मैंने बोला चलो ना अपने को नहीं बुला जाए, बोले तो ठीक है। माता जी थोड़े लोगों को कहा आप ऊपर आ जाना, बा को नहीं कहा, तो बा बोलते कोई बात नहीं थोड़े लोग गए हैं मैं भी जाती हूँ, मना करेंगे मैं वापस आ जाऊंगी, मगर जाने तो दो। फिर बा ऊपर चली गई, फिर क्या कहा माता जी ने? माता जी क्या बोले? चरण रखती थी और फिर कुंडली नहीं उठाती थी ऐसे करके खींच, दूसरे कोई ना था माता जी, अभी तो लोग कोई भी उठाते है तो माता जी उठाते। जब श्री माता जी ने ऐसा किया आपको? नहीं, वो दो तीन लोग गए। हाँ। फिर मैं गए, मैं बैठी, तो मेरे को ऐसे कान पकड़ के तुम्हारा बहुत अच्छा है तुम किसको मानते? मैंने बोला अम्बा जी, हमारे तुम्हें देवी भक्त है इसलिए तुम्हारे अंदर है, जल्दी मेरे को जाना तो मैं क्या, तुमने देवी तय करी तो लोग श्रीवास्तव मिसेस श्रीवास्तव तरीके मेरे को जानते हैं और बा उनको देवी की तरह जाना, तो बोलते हैं आप अम्बा जी की भक्ति करते हैं इसलिए आप मुझे पहचान गई कि मैं कौन हूँ। तो बा एक देवी को जो प्रोटोकॉल होता है, बा तभी से माता जी के साथ एक प्रोटोकॉल में रही, जैसे माता जी आगे चलती है बा हमेशा पीछे चलती है, तो माता जी एक देवी के सामने कैसे जाना वो बात जानती थी, इसलिए माता जी समझ गई कि सब जानती है। फिर ऐसा सर पर आया, पर तुम्हें पार हो गई, तब ऐसे बोलते थे पार हो गए, फिर हम उठ गए बाकी के लोग, दूसरे दिन फिर वापस जाए नाना से, तो वही बोलती थी, तो माता जी ने हम सब लोग ऊपर चढ़ गए, माता जी कोई कोई ऐसा घेर के बैठे थे, मैं भी बैठी, सबको बोलते थे कि अभी तुम कल घर जाना, आज तुम कुपार हुए, तो सो के बिछाना से उठ के ऐसे देखना तुम्हारे सामने क्या दिखता है, तो मैं तो हमारी लड़की के घर जाती थी, पर एक रूम हमारा अलग रहता था, जैसे माता जी ने बोला ऐसा सुबह बिछाने में ऐसे उठ के देखा हमारा सामने जैसे माता जी बैठे। फिर हम दोपहर को वहाँ मिलने को गए, तो बोले तुम क्या देगा, मैंने बोले आप बैठे थे, बोले जोर से हंसे। मतलब कि सभी को बोला कि सुबह आप ध्यान करना और जो आप देखोगे वो आके मुझे बताना दोपहर को। सो बा ने ध्यान किया तो माता जी साक्षात बैठी थी, फिर सब गए तो बोलते सबको पूछा क्या है देखा, कुछ नहीं ये बा को बा बोलते आप मेरे सामने बैठे थे, तो माता जी जोर से हंस पड़ी, बोलते हाँ आप मुझे जान गए, आपने देख लिया मुझे साक्षात्कार। आप कह देते धुलिया
अरे वो दुलिया तो मैं आऊंगी, पहले दिन से बोल के। तो उसी दिन से दुलिया के जाना माता जी का तय हो गया था। फिर बाप बोली आप दूसरी बार गए? आप बीजी में कर रही क्या इंदियारे तो ऊपर चीज़ है वो। हाँ तब क्या आपको एक्सपीरियंस हुआ? तो मैं बीजी बार गया था, माता जी ने तो मैं एक रूम में रोका है। हाँ एक रूम में आने आने। हाँ बाप हाँ आप दोनों एक कमरे में रहते हैं ना, तो फिर वहाँ क्या देखा बाप ने? माता जी आप जैसे सारा सहयोग का प्रोग्राम हुआ और काफी देर हो गई थी, रात सुबह होने वाली थी, बा और माता जी वापस जा रहे थे, सो माता जी आगे चल रहे थे, आप पीछे चल रही थी बा, तो आपने क्या देखा? के माता जी के सब देवी स्वरूप, मैं जा रही तो इतना अच्छा माता जी पीछे देखता था कि ये सब मैं कर रही आपको बताने के लिए। तो मैं सोच रही आकाश में थी, सो क्या आया आसमान से? सब आकाश में से ऐसे तारे तारे हाँ सारा आकाश और उसी टाइम वो तो दूसरी दफे। अच्छा दूसरी दफे। हाँ तो तब क्या देखा था दूसरी बार? दूसरी बार तो हाँ रात को जब दूसरा शिविर होता था, भजन होता था, बैठे थे अने सब लोगों के लिए कौन रहा था, अने एक रूम गया था, माता जी ने मेरे को वार रखा था उनके पास। तो फिर देर हो गई तो जहाँ प्रोग्राम था वहाँ से हम रूम पर जाने के लिए व्यवहार न तो बोले चले रोड पे धीरे धीरे चल रहे थे, तो मम्मी पीछे थी, तो आकाश में जो तारे हैं ना वो सब माता जी के आजू बाजू ऐसे पसरे हुए थे। फिर आप कमरे में पहुंचे? आप कमरे में पहुंचे, फिर ऐसा माता जी का पलंग मेरा ऐसा, पर माता जी को ऐसा था कि जब वो सोने तब वहाँ बैठना एक डाल सर पर हाथ रखना ही कर, तो मैं माता जी सो रही थी, मेरे देखा तो वो जो तारे थे वो सब माता जी के चादर पर फैल गए दिखे, तो मैं सुबह माता जी को बोला ऐसा, बोले सब कुछ है पर दिखता है उसको ही दिखता है। सबको नहीं दिखता है, सबको कुछ जो स्थिति में होंगे वो नहीं को दिखता है। दुलिया में प्रोग्राम हुआ, और दुलिया प्रोग्राम में फिर क्या हुआ? दुलिया में तो फिर रेगुलर प्रोग्राम लेते थे हमें सुबह शाम में सब, और लोग सहयोगी बनने लगे। और माता जी कहाँ रहती थी बा? दुलिया में कहाँ रहती थी माता जी? दुलिया में अमर बंगला ही था ना। हाँ आपके पास क्यों माता जी रही बा? नहीं तुम्हारा घर आपके घर क्यों रही और कहीं नहीं? आपकी क्या इच्छाएं पूरी नहीं की माता जी ने? क्यों पूरी की? नहीं बताइए, बोला कैसा बोला आपके घर, मैं तो तुम्हारे घर रहूंगी, तो फिर हम तो एक तो माता जी का एक कमरा कोट नया बनाया था, छत्र गादी बनाई सब वहाँ था, ये माता जी सोते थे मियाँ वहाँ भी, तो माता जी सोए तब बैठना होता था। क्यों बैठाती थी वहाँ आपको? वाइब्रेशन लो बोले। और क्यों वाइब्रेशन लेना पड़ता था माता जी के? मैं वो बोले तुम्हारी इच्छा है ना, मतलब बाकी इच्छा थी कि मैं साक्षात देवी मेरे पास आए तो मैं इनका लालन पालन करूं, सो इसीलिए माता जी बोलती ही थी कि आप बैठो मेरे पहले आप नहीं सो सकते। मेरी आदत थी कायम कभी सर करना कभी पैर दबाना या
चांदी की कटोरी से माता जी के पैरों को मसाज करना, क्योंकि माता जी सारे दिन काम करती थी, फिर वो काला काला निकलता है ना। नहीं नहीं, वो चांदी की कटोरी से घी घी लेकर तलिया घसना माता जी का, तो वो ऐसा घसा तो फिर एक काला आता था, तो ये कि वो वाटकी में लेके वो काजल के जैसे आंते थे। माता जी बोलते ये काजल की तरह आंजो तो आंखों में तेज रहेगा। तो चांदी की कटोरी के पीछे वाला हिस्सा, हाँ, पीछे वाला ही लगा के श्री माता जी के पैरों को मसाज करते, एकदम काला हो जाता था और उसका काजल लगाते थे। वो तो पस माता जी की आदत हो गई, चलो काजल पाटना है तो आ जाओ। फिर नाने की कैसे तैयारी करते थे बा? उपटन सब लगाना। हाँ, उपटन के विषय में बताइए ना मैं कैसे, मैंने क्योंकि देवी आपके घर आए, आप तो देवी का लालन पालन कैसे किया, क्या क्या किया? वो बोले एक रूम में रहते थे, हमारा बाथरूम नजदीक था, मैं रूम में माता जी स्पेशल था, तो स्नान करने के पहले क्या करना, तो थोड़ा तेल ये करना, अने कौन सा तेल, घी से थोड़ा मालिश करना, ठंडी होती है। बाद में नहाने को जाते थे तो बोले तुमको ये नहीं होगा, जब तक मेरे अंदर मेरे ये नहीं करो तब तक तुम्हारा मन में तो मेरे को तुम्हारी इच्छा सब पूरी करनी, क्योंकि पाका ये हमेशा रह मैं क्या करूँ कितना करूँ। हाँ। तो बाउटल लगवाना सब करती थी, और उस वक्त जो लोकल म्यूजिक जो ट्रेडिशनल बजाते हैं उनको बजाने वाले आते थे हमारे, बाजे बजाने वाले, हाँ, नगारा बाजे बजाने, तो ये गुरुओं के बाजे बोलते हैं ना, गुरुओं लोग वो बाजे नीचे बजते वो बजते थे। और देवी जब स्नान करने जाती है, जब खाती है तो उनका एक एक प्रकार होता है, तो बा उनको बाथरूम में जब माता जी स्नान करने जाती थी तब वो बजता था, बजता था, माता जी स्नान करती थी तो उनके बड़े बेटे सब पीछे बाथरूम के जाके वाइब्रेशन लेते थे, पीछे से माता जी का जो पानी बाथरूम से पानी निकलता था, निकलता था ये हमारे लोग जाके देखते थे, पानी से वाइब्रेशन आते थे पानी से। और जो ग्रैंड डॉटर जिसके लिए आप पहली बार माँ से मिले वो तो ठीक हो गई, ठीक हो गई, इस बॉडी शिविर और धुलिया आने तक ठीक हो गए होंगे। और बताइए बात जरा, जैसे उस समय तो टेलीफोन नहीं होता था इतना, श्री माता जी पत्र लिखते होंगे, वो हमें बताएंगे हम लोगों को प्लीज। उनके हाथ से लिखते थे। हाँ, अपने ही हाथ से। हाँ, सही में वो अब चीज तो हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं, हम लोग सपने में कहीं किसी किताब में पढ़ लिया श्री माता जी का लेटर। वो पत्र पढ़े हैं यहाँ, आपको देखना है तो। हाँ, हमें जरूर दिखाइए और उसके विषय में भी बताइए, क्या क्या मराठी है ना, आप पढ़ सकते हैं, अभी दीदी को कहना। अच्छा दीदी, भाई पत्र में तुम्हारे सुर चर्चा पहले दिन उसके घर गई तो तुम्हारा नाम क्या, मैंने बोला मेरा नाम किशोर कुमार। क्या नाम? किशोर कुमार। किशोर कुमार। फिर दूसरे दिन गई तो बोले आओ राजकुमार। मैंने बोला नहीं कि मेरा नाम राजकुमार नहीं, तो तब से राजकुमार पड़ गए। तो राहुल बा नाम कहाँ से आया? राहुल बा तुम्हारी सरनेम है ना? सरनेम राहुल। राहुल में राहुल राहुल बा लगे। तो उन जब पहले पत्र आया श्री माता जी का, उसमें क्या लिखा था उन्होंने? मैं इतने दिन आई हूँ तुमको मिलने को आने आता, मैंने मेरे को तो बाद में मैं जाऊँगी दिल्ली, तो अभी तुमको आना होता जाओ मिलने को।
हाँ